हेलो फ्रीक्स, वेलकम बैक टू ऊप। स्वागत है आप सबका ऊप चैनल पे। आज मैं रिव्यू करूंगी कुछ सेक्सी एंड ये थोड़े से क्यूट आउटफिट्स जो मैंने अर्बेनिक से लिए हैं। अब अर्बेनिक को कुछ नए इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं, ये काफी टाइम से मार्केट में है एंड इट इज लाइक वन ऑफ माई डेली गो टू लिस्ट। जहां पे मैं कभी भी कुछ अलग लेना चाहती हूँ तो वहां जाती हूँ। मैं मिंत्रा के कुछ आउटफिट्स, अगर मैं कुछ बोर हो जाती हूँ या मुझे कुछ थोड़ा अलग थोड़ा डिफरेंट जो मुझे मिंत्रा पे डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, तो मैं जाती हूँ अर्बेनिक के पास जहाँ पे मुझे मिलते हैं वैरायटी एंड थोड़े क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आज मैं रिव्यू करूंगी उन्हीं में से कुछ क्लोदिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। तड़ा। पहले मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल रिव्यू। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ दिस आउटफिट। सो पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है इसका ये नियॉन पिंक कलर। जी हाँ, मैं इस टाइप का नियॉन पिंक कलर काफी टाइम से ढूंढ रही थी एंड फाइनली आई फाउंड इट ऑन अर्बेनिक और मैंने इसको फटाफट से खरीद लिया। ये नियॉन पिंक कलर देता है इसको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, क्या कहते हैं, पार्टी वाला लुक। आप इसको पहने पब के टाइम पे या आप जा रहे हैं किसी भी पार्टी में। नेक्स्ट जो चीज मुझे अच्छी लगी वो है इसकी ये पफ स्लीव्स। मुझे ये काफी अच्छी लगी, ये देती हैं इसको काफी 90s वाला लुक एंड ये आजकल काफी ट्रेंडिंग है, काफी ज्यादा मतलब फैशन में चल रही है। तो आप डेफिनेटली इस टाइप का कुछ आउटफिट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो सेकेंड चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो है इसकी स्लीव्स, गिविंग दिस ड्रेस क्वाइट अ वेरी डिफरेंट लुक। एंड फाइनली जो चीज इस ड्रेस की मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है इसका ये बैक वाला पार्ट। मुझे इसका ये वाला पार्ट ओवरऑल बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब देता है इसको काफी सेक्सी लुक। एंड नेक्स्ट थिंग आई लाइक इज दिस नेक, बेसिकली द नेक एंड द फ्रंट बैक, दोनों चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी, काफी यूनिक लगी, गिविंग दिस ड्रेस मेकिंग इट अ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पार्टी वाला ड्रेस। एंड यू विल गेट दिस लिटिल जिप ओवर हियर, सो आपको थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील करवाएगा ये आउटफिट। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस हाउ यू कैन स्टाइल दिस आउटफिट। सो आप इसको स्टाइल कर सकते हैं नियॉन पिंक इयररिंग्स के साथ। मेरे पास अभी नियॉन पिंक इयररिंग अवेलेबल नहीं है, सो मैं आपको वो पहन के नहीं दिखा सकती, बट आपके पास अगर नियॉन पिंक इयररिंग्स हैं तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें। अगर नियॉन पिंक नहीं है तो आप कोई भी ट्रांसपेरेंट या शिमरी वाले जो पार्टी वाले जो पिक्चर परफेक्ट इयररिंग्स होते हैं उसके साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। साथ में आप पहन सकते हैं नियॉन पिंक सैंडल्स टू क्रिएट अ परफेक्ट लुक फॉर दिस आउटफिट। अगेन मेरे पास नियॉन पिंक सैंडल्स नहीं है बट मैं उसको ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं उसको खरीद लूंगी। बट आप कुछ इस टाइप का सैंडल्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। साथ में आप ले सकते हैं कोई भी क्या कहते हैं स्लिंग बैग, ये आउटफिट जो है स्लिंग बैग के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो पिंक कलर का अगर आप अरेंज कर पाते हैं तो देन इट विल बी गुड। अगर नहीं है तो कोई भी जो आपके पास जो पार्टी वाली आउटफिट के साथ मैच होगा उस टाइप का आप कोई भी क्या कहते हैं स्लिंग बैग ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टाइल योर सेल्फ विद दिस आउटफिट। अब ओकेजन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो ये आउटफिट बना है एकदम पार्टी वाली क्या कहते हैं ओकेजन्स के लिए। अगर आप पब जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, मतलब पार्टी के लिए, उस टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं। दिस आउटफिट इज नॉट मेंट फॉर योर कैजुअल मीटअप्स या कैचअप्स, दिस आउटफिट इज ओनली ओनली मेड फॉर अगर आप जा रहे हैं पार्टी के लिए। सो दिस इज माई सेकेंड आउटफिट, नॉट द शर्ट्स मैं बात कर रही हूँ इस टॉप की। पहले इसका ओवरऑल लुक देख लेते हैं।
सो इस टॉप को मैंने दो रीजन की वजह से खरीदा है, विच आर द हाइलाइट्स एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रे कलर, क्योंकि मैं ग्रे कलर में काफी टाइम से एक टॉप ढूंढ रही थी एंड दिस टॉप परफेक्टली मैचेस माय रिक्वायरमेंट। सेकेंड थिंग, जो चीज मुझे अच्छी लगी वो है इसका ये वाइड नेक लुक, क्योंकि मैं वाइड नेक लुक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे कलर ढूंढ रही थी। सो मुझे एकदम परफेक्टली मैच कर गया मेरा रिक्वायरमेंट, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इस टॉप को खरीद लिया। मैं आपको एक क्लोजअप लुक भी दिखा देती हूँ कि ये पास से किस टाइप का दिखता है। सो ये कुछ इस टाइप का दिखता है टॉप फ्रॉम द फ्रंट एंड दिस इज द बैक। फटाफट से बात करते हैं हाउ यू कैन स्टाइल दिस टॉप। सो ये टॉप बेस्ट कॉम्बिनेशन जाएगा ब्लैक जीन्स या फिर ब्लैक शॉर्ट्स के साथ, जैसे मैंने इसको पेयर किया है अभी ब्लैक शॉर्ट्स के साथ। साथ में डेफिनेटली बिकॉज यू आर मेकिंग लाइक अ जीन्स एंड टॉप का यू नो कॉम्बिनेशन, सो आपके पास अगर स्नीकर्स हैं सो दिस टॉप डेफिनेटली डेफिनेटली गोज विद द स्नीकर्स। आपके पसंद के आप कोई भी कलर के स्नीकर्स पहन सकते हैं उसके साथ ये जाएगा। इयररिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो दिस टॉप परफेक्टली गोज विद एनी ब्लैक कलर का। आपके पास कोई फंकी इयररिंग है सो आप उस टाइप का इयररिंग के साथ इसको पेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस विच ओकेजन टू वेयर इट ऑन। सो ये बहुत ही कैजुअल टाइप का टॉप है, तो आप इसको किसी भी ओकेजन पे वैसे तो पहन सकते हैं, मतलब जैसे आपका मन चाहे। बट अगर बेस्ट ओकेजन की बात करें तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बीच विजिट, क्योंकि बीच पे हम लोग कुछ स्लीवलेस और बहुत ही कैजुअल टाइप का कुछ ढूंढते हैं तो उस टाइम पे पहन सकते हैं। एंड जैसे मैंने इसको शॉर्ट्स के साथ पहना है तो डेफिनेटली आप इसको शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हैं। एंड सेकेंडली, इफ यू आर प्लानिंग फॉर यू नो कैजुअल मीटअप विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, उस टाइम पे भी आप इसको कैजुअली कैरी कर सकते हैं। एंड इसका कलर इतना ज्यादा प्यारा है कि आप इसको नाइट के टाइम, अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर यू नो अ पब विजिट, तो उस टाइम पे भी आप एक फंकी सा लुक क्रिएट करके इसको पेयर कर सकते हैं। एंड विद दिस इट्स अ रैप। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ऊफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद ऊफ फॉर मोर एंड मोर रिव्यूज ऑफ द क्लोदिंग एंड वॉट एवर आई कैन डू फॉर यू एंड फॉर वेराइटी ऑफ क्लोदिंग रिव्यू, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। टिल देन आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।